हेलो दोस्तों, आप कैसा है? आज देखने वाला हूँ RS 200 में हैजार्ड इंडिकेटर किस तरह से, उसका डिवाइस किस तरह से सेट किया जाता है, उस बारे में मैंने वीडियो बना रहा हूँ। पूरा वीडियो देखिए। मेरे पास ये डिवाइस है, डिवाइस आज इसमें RS में इंस्टॉल करने वाला हूँ। देखिए, इसके साथ चारों इंडिकेटर एक साथ जलता है, अप डाउन भी करता है। आज इसको किस तरह से फिट करना है मैंने एक एक करके दिखाता हूँ। पूरा वीडियो देखिए और देखने के बाद अच्छा लगे तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। दोस्तों, मैंने इसका इधर ही इंस्टॉल करने वाला हूँ। इधर ही है, ये दो येलो वाला है, ये दोनों दो इंडिकेटर में जाता है। मैंने दो इंडिकेटर में इनको डालता हूँ और इसके बाद इधर जो एक बॉडी अर्थ है और लाल वाला कारण का है, पॉजिटिव है। अभी ये दोनों को भी स्विच के जरिए से मैं फिट करने जा रहा हूँ। देखिए मेरे साथ, इसको भी फिट करने जा रहा हूँ। पहले मैंने इस डिवाइस को इंडिकेटर के साथ एक एक करके फिट करता हूँ। ये दोनों वायर इंडिकेटर से आ रहा है, ये दोनों वायर में मैंने थोड़ा वायर भी काट किया उस डिवाइस के साथ जोड़ने के लिए। पहले एक वायर में एक डालना है, मैंने काला वाला में नहीं है, ये थोड़ा हल्का सादा वाला में डालने वाला हूँ। इधर एक वायर डाला, अभी इसको डाल दिया। दूसरे में भी उसी तरह डालना है, दूसरे में इसमें जो हरा वाला है इसमें डाल रहा हूँ। अच्छा डालिए, मेरा हो गया। अभी इसके अंदर से मैं दो वायर ले रहा हूँ। दोनों को टेप करना है, ये हो गया। अभी ये दोनों का आपस में जोड़ रहा हूँ। दोनों हो गया, दोनों हो गए। और इसका वायर भी इधर ले लिया हूँ। अभी दोनों इंडिकेटर से जो वायर मैंने बाहर निकाला, अभी ये दोनों में आपका मर्जी, ये दोनों के अंदर जिस कौन सा वाला कौन सा में डालना है आपका मर्जी। दोनों के साथ एक एक करके जोड़ना है। ये हो गया, अभी टेप करना है। ये दोनों भी हो गए, ये दोनों को आपस में टेप के जरिए से जोड़ना है। मेरा हो गया। अभी इसका जो दो वायर है, एक लाल वाला और एक काला, एक बॉडी आर्ट करना है और एक काला वाला जो मैंने मेरे पास जो स्विच है उसके साथ इग्निशन स्विच के साथ इस वायर को जोड़ना है। मैंने जोड़ता हूँ, किस तरह से जोड़ना है वो भी दिखाता हूँ। उसके बाद मैंने जो इग्निशन स्विच है, आउटपुट आ रहा है करेंट, उसमें एक वायर जोड़ा। देखिए, सादा में करंट हर टाइम रहता है और जो ग्रे वाला है उसमें चाबी ऑन करने टाइम ग्रे में करंट आता है, इसलिए मैं ग्रे के साथ जोड़ा। अभी इसको मैंने जो स्विच डालने जा रहा हूँ उसमें इसको जोड़ना है। मैंने जो इग्निशन स्विच का आउटपुट बाहर निकाला उसको दोनों ग्रीन को एक साथ आपस में जोड़ना है। पकड़ो मोबाइल को, पकड़ो पहले। दोनों को आपस में जोड़ दिया और मैंने जो डिवाइस है जो वायर, देखिए डिवाइस है,
ये वायर इसका अंदर से इधर लेकर आया। अभी ये वाला ब्लैक में जोड़ना है, अभी जोड़ता हूँ। अभी ये दोनों को आपस में जोड़ दिया। ये दोनों को जोड़ने के बाद अभी टेप करना है। दोस्तों मेरा काम हो ही गया। अभी देखिए इसको लाइट किस तरह से, देखिए इसका चारों इंडिकेटर लाइट एक, देखिए देखिए दोस्तों मैंने जो लाइट फिटिंग करने का काम दिखाया वो आप लोगों को अच्छा लगे तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरा नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए बेल बटन को ज़रूर दबाइए। दोस्तों मेरा काम हो गया। ये मेरा डिवाइस, अभी डिवाइस को प्लास्टिक कवर के जरिए से जोड़ना है। जोड़ने के बाद मेरा काम ख़त्म। आज इतने बस दोस्तों, आपके लिए बस।